हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। आज है मई की 5 तारीख और बारिश कुछ दिनों से बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मेरे जो पुराने कटिंग ट्रे है उसके अंदर बहुत पुराने कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, जिन सब पौधों को मैं चाहता हूँ अभी रिपोर्टिंग कर देना, क्योंकि बहुत दिन से मतलब 1 साल से ऊपर हो चुका है प्लांट सब और मुझे अभी नए नए से कटिंग ग्रो करना है। तो मैं चाहता हूँ इन सब प्लांट को, जैसे कि देखिए बहुत सारे पुराने प्लांट्स हैं यहाँ पर, ओलियंडर, इग्जोरा, हरशिंगार, रोज, मोगरा और भी कई सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, मतलब कटिंग लगे हुए हैं जिसको मैं आज से 1-1.5 साल पहले लगाया था। तो सभी कटिंग मेरे लग चुका है, पुराने कटिंग है, तो मैं चाहता हूँ इन सब प्लांट को यहाँ से निकल कर रिपोर्टिंग करके यहाँ पर नए नए से कटिंग ग्रो करना, क्योंकि अभी बारिश भी हो रहा है और बहुत ही अच्छा टाइम है कटिंग ग्रो करने के लिए। और आने वाले जून से बारिश शुरू हो जाएगा, मतलब मानसून शुरू हो जाएगा, तो आप किसी भी पौधे की कटिंग ग्रो कर दो तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो चलिए इन सब प्लांट को मैं यहाँ से निकालता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि प्लांट्स पे रूटिंग कैसे हुआ है, कितना हुआ है और कौन कौन से प्लांट्स मेरे लगे हुए है। तो ये तो मेरे पुराने कटिंग ट्रे है और एक मेरा नया, मतलब फरवरी में जिन सब प्लांट की कटिंग किया था उसकी, उसको मैं यहाँ पर रखा हूँ छाव पर। मेरे आम के जो प्लांट है, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इस साल, साइज भी बहुत ही अच्छा है मैंगो प्लांट पे। ये आम्रपाली वैरायटी है और एकदम मेरे छत के ऊपर हाथों पे आते हैं, तो इसके नीचे मैं मेरे कटिंग ट्रे को रखा हूँ। ऑलमोस्ट सभी कटिंग यहाँ पर भी लग चुका है, जिसे मैं फरवरी के एंड पे कटिंग किया था, सभी समर सीजन वाले फ्लावरिंग प्लांट्स की। यहाँ पर हिबिस्कस, ब्लीडिंग हार्ट और भी कई सारे प्लांट्स लगे हैं और कुछ ऑर्नामेंट प्लांट्स की भी कटिंग मैं ग्रो किया था। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मेरे गार्डन में जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें से ऑलमोस्ट 75-80% प्लांट को मैं कटिंग से खुद ग्रो किया हूँ, खरीदा नहीं हूँ। और यहाँ पर जो ऑर्नामेंट प्लांट है सभी को मैं कटिंग से ही ग्रो किया हूँ, मैं एक भी प्लांट को खरीदा नहीं था। तो ऑलमोस्ट मैं सभी प्लांट को कटिंग से ही ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो जानते होंगे मैं जितने सारे प्लांट्स हैं मेरे गार्डन में ऑलमोस्ट 65-70, मतलब फ्रूट प्लांट को छोड़कर मैक्सिमम प्लांट को मैं कटिंग से ही खुद ग्रो करता हूँ। तो ये रहा मेरा एक कटिंग ट्रे जिसको मैं जहाँ रखा था वहाँ से निकाल कर यहाँ पर लेके आया हूँ। मुझे अभी ये प्लांट चाहिए क्योंकि ये एक रेड ओलियंडर है, इसे मुझे ग्रो करना है। और प्लूमेरिया के एक वैरायटी यहाँ पर है, प्लूमेरिया पुदी का, ये भी शायद लग चुका है। और कुछ मोगरा के प्लांट है जो बहुत ही पुराने हैं, पत्तों को देखकर आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे प्लांट इसके अंदर लगा हुआ था जिसे मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूँ, और अभी कुछ ये सब प्लांट बाकी है जिसे मुझे अभी रिपोर्ट करना है, क्योंकि इस थर्मोकॉल डिब्बे के अंदर मैं अभी दोबारा नया प्लांट ग्रो करना चाहता हूँ। तो थर्मोकॉल के डिब्बे को आप नया कुछ खरीदते समय, जैसे कि एसी, फ्रिज, टीवी खरीदते समय इससे पैक होकर आता है थर्मोकॉल के डिब्बे पे, तो उसको आप फेंका मत कीजिए। उसके अंदर सिर्फ सैंड देकर आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, मतलब कटिंग ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मैं किया हूँ। यहाँ पर ना ही खाद है, ना ही सॉयल है, ना ही कोकोपीट है, सिर्फ सैंड है, क्योंकि सैंड के अंदर रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। और थर्मोकॉल डिब्बे के अंदर ग्रो करने का कारण है कि बाहर के टेम्परेचर अंदर नहीं जाते हैं और अंदर के टेम्परेचर बाहर नहीं जाते हैं। इसे सैंड में जो वाटरिंग करते हैं वो जल्दी सूखता नहीं है और इस वजह से रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो पाते हैं और बहुत जल्दी डेवलप हो पाते हैं। तो आप भी इस तरीके से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं किसी भी समर सीजन या फिर विंटर सीजन में, फ्लावरिंग या फिर ऑर्नामेंट प्लांट को आप इस सेम प्रोसेस से ग्रो कर सकते हैं। तो अब इस प्लांट को मैं देखता हूँ ये निकलता है कि नहीं, क्योंकि बहुत पुराना है। इसके ब्रांच जो है आप देखिए कितना मोटा हो चुका है, हालांकि मोटा ब्रांच ही मैं ग्रो किया था, फिर भी यहाँ पर ग्रो करने के बाद मैं एक बार प्रूनिंग भी किया हूँ इस प्लांट को। देखिए हार्ड प्रूनिंग कर दिया था इसी साल फरवरी में और उसके बाद नए नए से ब्रांचेस दोबारा निकल कर आना शुरू हो चुका है। और इसे मैं अगर रिपोर्ट कर दूँ तो आने वाले 1 महीने के बाद ही इसमें नए से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं इसे पहले मैं निकाल पाता हूँ कि नहीं।
तो देखिए इसको निकालने के लिए पूरा जो सैंड है इसके साथ ही निकल कर आ रहे हैं। अब इसको मुझे रूट प्रूनिंग करना है, नहीं तो इसे मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो देखिए रूट प्रूनिंग करने के बाद मैं ओलियंडर प्लांट को इस थर्मोकोल डिब्बे के अंदर से निकाल कर ला चुका हूँ और ऑलमोस्ट सभी प्लांट को ही मैं निकाल लिया हूँ ताकि मैं आने वाले समय में नए नए कटिंग इसके अंदर ग्रो कर पाऊँ। और देखिए सभी प्लांट की रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। तो कुछ प्लांट ही था इसके अंदर इससे पहले और कुछ प्लांट को मैं रिपोर्टिंग कर चुका था। तो यहाँ पर देखिए मोगरा के प्लांट पे बहुत अच्छे से रूटिंग हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बताया इस तरीके से आप भी अगर कटिंग ग्रो करते हैं और प्लांट को कटिंग को ग्रो करने के बाद थोड़ी सी शेड पे रखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।